आप देख रहे हैं एशियन न्यूज हब और इस वक्त हम मौजूद है काजीगुंड के पांजत गांव में, जहां पर हर साल एक दिन मुकरर किया जाता है जिस दिन पर पांजत स्प्रिंग जो है उसकी सफाई की जाती है। और इस फेस्टिवल में जो है हजारों की तादाद में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो यहां के गांव वाले भी हैं वो भी, और जो आसपास के रिहायशी हैं वो भी इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। मकसद इसका होता है कि स्प्रिंग की सफाई हो, क्योंकि ये जो स्प्रिंग का पानी है, ये जो चश्मे का पानी है, ये लगभग 40 गांवों तक पहुंचता है और वो इस पानी को ड्रिंकिंग कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये जो पानी है ये एग्रीकल्चरल फील्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर अब कुछ लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर साल ये फेस्टिवल मनाया जाता है, उन्हें कितनी खुशी हो रही है और ये लोगों के लिए कितनी बड़ी मैसेज है। चाहेंगे पांजत इस गांव का नाम है, पहले बताइए पांजत का मतलब क्या है? बिल्कुल मैम, पांजत का मतलब यही है, पांच कश्मीरी हम इसको कहते हैं, पांच हाथ पांजत नाम इसी के ऊपर पड़ गए मैम। बिल्कुल, आप यहाँ पर आज फेस्टिवल मना रहे हैं, इस फेस्टिवल का मकसद क्या होता है? इस फेस्टिवल का मकसद एनुअल फेस्टिवल इसमें मनाए जा रहे हैं, लेकिन फिशिंग का इसमें एक बहाना है, असल में इसकी सफाई हो रही है मैम। बिल्कुल, इससे वाटर लेवल बढ़ जाती है मैम। तो ये पानी जो है किस चीज के लिए फिर इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले पीने के लिए दो डिस्ट्रिक्टों में कम से कम पीने के लिए जा रहा है, और उसके बाद कम से कम 40-50 गांवों में ये खेत प्लस बागों में जा रहा है पानी। यहाँ पर एक और लोकल हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट भी किया है, कैसा लगा आपको आज एक साल बाद इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करके? जी, ये तो हमारे लिए एक खुशी का इवेंट होता है, हर साल हम ये मनाते हैं और आप देख सकते हैं कि बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी इसमें हिस्सा लेते हैं और बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस इवेंट का मकसद क्या होता है? क्योंकि हमने देखा कि कई लोग कह रहे हैं और लगातार कहते आ रहे हैं कि इस इवेंट का मकसद होता है ये जो स्प्रिंग है इसको साफ करना, अब आप ही की जबानी सुनना चाहेंगे। जी, मेन जो स्प्रिंग मकसद है इसका, इस फेस्टिवल का, वो यही है कि ये जो स्प्रिंग हमारे यहाँ पे हैं ये साफ हो जाए, ताकि कल को जब हम अपने ये धान वान लगाते हैं अपने खेतों में, तो ये जो पानी है ये इसका बहाव जो होता है विदाउट एनी हिंड्रेंस हो जाता है। अच्छा, आपकी एज कितनी है और कब से ये सेलिब्रेट करते हैं? जी, मेरी एज इस वक्त 25 साल की है और ये जो फेस्टिवल है ये काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, मनाया जाता है यहाँ पे। आप हमारे बुजुर्ग साहिबान जो थे वो भी कहते थे कि हम भी ऐसे ही जो है आ जाते थे, पास वाले गांव से भी आ जाते थे और ये फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता था। अच्छा, आपसे बता दे, राज तरंगी में भी स्प्रिंग का जिक्र है, मन की बात की अगर बात करें तो जब स्प्रिंग की बात पीएम नरेंद्र मोदी ने भी की है, सराहना की इस गाँव की कि जो अपने आबी वसाइल साफ करते हैं, कितना बड़ा मैसेज जाता है ये दुनिया भर के लोगों के लिए कि किस तरीके से उन्हें अपने आबी वसाइल अपना एनवायरनमेंट साफ करना चाहिए? जी, ये एक यहाँ से भी एक मैसेज आती है, ये मैसेज आती है लोगों को कि हमें अपनी जो ये रिसोर्सेज है इनको खुद साफ करना चाहिए, ताकि हम गवर्नमेंट पे ज़्यादा डिपेंड ना रहे। लेकिन रही बात आपके, आपने जो अभी कहा मन की बात में भी या राजतरंगनी में भी इसका जिक्र किया है, तो मेरी मोदीबाना गुजारिश होगी एडमिनिस्ट्रेशन साहिबान से कि मेहरबानी करके इस इलाके की तरफ, इस पांजत वहाँपुरा की तरफ से आप अगर थोड़ा सा तवज्जो देंगे तो हम कहीं ना कहीं इसको टूरिज्म मैप पे लाना चाहते थे। शुक्रिया बहुत आपका। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोकल्स मौजूद थे और इनका कहना है कि इस फेस्टिवल का मुद्दा मकसद ही होता है कि हम इन स्प्रिंग्स को साफ कर सकें, ताकि फिर ये जो साफ पानी है, साफ शफाफ पानी लोगों के घरों तक पहुँचे। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि इसको टूरिस्ट मैप में लाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि यही गेटवे है कश्मीर का, तो यहाँ पर अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा तो बड़ी ही खूबसूरत जगह है, टूरिस्ट भी एंजॉय कर पाएंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार कमाने का मौका भी मिलेगा। और ये सब लोगों तक मैसेज है कि हमें भी अपना एनवायरमेंट, हमें भी अपने आबी वसाइल ऐसे ही टाइम निकाल के साफ करने चाहिए। एशियन न्यूज हब के लिए काजीगुंड से फजा जाना।